Hello dear students, how are you all? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, teacher, ICT virtual classroom. So today we are going to discuss non-finite verb. अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? अब एग्जाम होते हैं 9th और 10th, दोनों में फर्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रामर पोर्शन में नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब वर्ब जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और सेकेंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब फाइनाइट वर्ब्स जो है टेंसेस जब करते हैं तो ऑलरेडी आप लोग जो है पढ़ते हैं, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है आपने नहीं पढ़े होंगे अभी. तो फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंसेस, जो सब्जेक्ट और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. बट जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. तो फाइनाइट वर्ब्स जो है जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो कब कंप्लीट हो जाएंगे हमारे. नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है हम अभी पढ़ेंगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव्स होते हैं, जीरंड होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं. अब इन्फिनेटिव्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू में, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, उसको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं. सेकेंड मैंने बताया था आपको जीरंड, ऐसे सिमिलरली पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स को भी हम फर्दर थ्री में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स. अब इसी को हम डिटेल स्टडी करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. नॉन फाइनाइट, ठीक है. वर्ब जो है हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, पता है नॉन फाइनाइट दूसरे होते हैं हमारे फाइनाइट. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वर्ब लिख देते हैं इनके आगे, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ध्यान से देखें बच्चे, दे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. जैसे अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गए. अगर इंडेफिनेट टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, परफेक्ट टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो. तो ये जो हमारे फाइनाइट वर्ब्स हैं, दे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और वर्ब. परंतु जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते. नो चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट, और ये वाले जो है हमारे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो ये हम जो है बाद में पढ़ेंगे. और जैसे यहाँ पे तो हम बोलेंगे टू प्ले है, जैसे टू कम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले तो उसको बोलते हैं टू इन्फिनेटिव. तो अभी हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैंने तो अभी फाइनाइट वर्ब जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो ये टेंसेस में कवर हो जाएंगे. अभी हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, सब्जेक्ट और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं. तो दे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दे चेंजेस सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग. यहाँ पे नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट
एंड टेंस। जैसे इसका एक एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू प्ले, ठीक है, अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। अगर वो हम बोल रहे हैं आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर आई है तो वॉन्ट का है, शी वॉन्ट्स तो शी वॉन्ट्स मीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ठीक है दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। ये जब हम टेंस करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। Wants to play. अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनको हम पढ़ेंगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन डिटेल। नॉन फाइनाइट, अब नॉन फाइनाइट जो हमारे वर्ब होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इन्फिनेटिव, सेकेंड होता है ज्यूरन, और थर्ड होता है हमारा पार्टिसिपल। क्या होते हैं? पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट words are divided into three. First one is your infinitive. Gerund. Participle. एक होता है infinitive with two. ये टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, और सेकंड वन इज योर बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसे हम टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जीरन क्या होता है? जीरन टू होता है, होता वर्ब है, बट कैसा काम करता है? ये नाउन का काम करता है, वर्ब के नाउन का काम करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो यहाँ पे तो जीरन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें आई एन जी लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जीरन। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। पार्टिसिपल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वन बाय वन हम जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, infinitive with two or two infinitive, ठीक है। दूसरा है हमारा infinitive without two or bare infinitive, ठीक है। गेरेंड में हम क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो जब हम जेरंड पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि किस तरह से वर्ब के सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, या कॉम्प्लीमेंट की तरह करता है, या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पार्टिसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट
पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड वन इज योर परफेक्ट। ठीक है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वैसे तो ऑब्वियस है कि पार्टिसिपल्स को हमने डिवाइड किया है, तो इट इज ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू में, एक को एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, हमारा हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहां पे आएगा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव, यहां पे क्या आएगा हमारा वर्ब की हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग बीन के साथ पैसिव में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी एक बार और मैं समझा देती हूँ आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, इन्फिनेटिव विथ टू और टू इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव विदाउट टू और बेयर इन्फिनेटिव। जेरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब होता है बट ये वर्ब के लिए जो है नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अभी हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। पार्टिसिपल्स फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें सेम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परंतु डिफरेंस क्या है, ये वर्ब के लिए काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एज अ वर्ब काम करता है, डिफरेंस है ये दोनों में, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये वर्ब के लिए जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम पैसिव हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम वन बाय वन जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, तो पहला हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। क्या पढ़ेंगे हम? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को जैसे अभी मैंने बताया था कि टू में डिवाइड कर दिया है, इन्फिनेटिव विथ टू। तो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इन्फिनेटिव विथ टू। और इसको क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं इसको? टू इन्फिनेटिव। तो इसको हम कहां यूज करते हैं? यूज टू बिफोर द बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज करते हैं। यूज टू बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका मतलब क्या है कि हम कैसे यूज करेंगे इसे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ये बेयर इन्फिनेटिव होता तो हम यूज नहीं करेंगे विदाउट टू, दैट इज योर विदाउट टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलाउ मी टू गो होम, allow me to go home।
ये अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं चेंज होंगे, ठीक है, न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। दूसरा है कि अगर एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव है या एडवर्ब है और उसके बाद जो है एनफ वर्ड आता है, तो हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव विद टू या टू इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर कोई एडजेक्टिव है, कोई सेंटेंस है, उसमें क्या है, इफ देयर इज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब या कोई भी एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है और उसके बाद एनफ वर्ड आता है, तो आपको अगर ये रूल याद है तो एकदम से जो है उसमें इन्फिनेटिव टू को हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वाइज एनफ, शी इज वाइज एनफ टू टेक द डिसीजन। तो यहां पे क्या है, एनफ वाइज एनफ टू टेक द डिसीजन, तो हमने क्या लिया यहां पे, इन्फिनेटिव टू को हमने यहां पे यूज करा। या ही इज बोल्ड इनफ टू गो अलोन, कि वो इतना जो है बोल्ड है कि वो अकेला जो है घर जा सकता है। He is bold enough to go home. थर्ड क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि कब हमें इन्फिनेटिव टू लगाना है, कि अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं कोई भी सेंटेंस में, अगर हमें कहना है व्हाट टू डू, वेयर टू गो, तो वहां पे भी हमें इन्फिनेटिव टू का यूज करना है। कहां पे करना है, अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्लस इन्फिनेटिव टू कौन से वर्ड्स, व्हाट, वेयर, जो भी हमारे इंट्रोगेटिव है, व्हेन, ठीक है, हाउ, फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, ठीक है, तो यहां पर व्हाट क्या हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, तो हम क्या करेंगे वहां पे, इन्फिनेटिव विद टू को हम यूज करेंगे, ठीक है, या आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले, कि मैं सीख रहा हूं कि कैसे खेलना है, आई एम लर्निंग how to play, ठीक है, no one knows where to go, he doesn't does not know What to do, कि क्या करना है, तो यहाँ पे बीच में what to do, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, we have used infinitive to को हमने यहाँ पे use किया है,
ये इंट्रोगेटिव वर्ब्स हैं, हाउ, व्हाट, और ये आपके इंफिनिटिव विद टू, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा खुशी है, हैप्पी है, या नीड है, या डेयर है, हिम्मत है, वांट है, कोई विश है, या ईगर है, कोई उत्सुकता है, तो वहां पे भी हम इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर कोई जहां पे हमें कोई हैप्पीनेस हो रही, खुशी हो रही है, या नीड है, या कोई विश है, want plus infinitive with two, infinitive with two, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड टू सी यू, he needs to come here, he needs to come here, ठीक है, needs, I am glad to see you, तो वहां पे भी जो है हम क्या लगाते हैं, इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, बेयर इन्फिनिटिव जैसे विदाउट टू, जहां पे हम टू का यूज नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे जो इन्फिनिटिव विदाउट टू कहां यूज करते हैं, जैसे हैड बेटर है, वुड रेदर है, रेड रेदर देन है, रेदर देन, सुनर देन, यहाँ पे जो हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यहाँ पे हम टू यूज नहीं करते, जैसे यू हैड बेटर कम नाउ, यू हैड बेटर कम नाउ, यू हैड टू बेटर कम नाउ इज रॉन्ग, यहाँ पे हम जो है इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली शी हैड रेदर वर्क देन प्ले, ये नहीं होगा इसका, शी हैड रेदर टू वर्क देन प्ले, या तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव। तो बच्चों, आज हमने जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े हैं, तो आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं थ्री में, एक होता है इन्फिनेटिव, सेकेंड होता है जिरंड जिसमें हम बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, और थर्ड होता है हमारे पार्टिसिपल्स, और पार्टिसिपल्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, जो कि हमें कॉन्टिन्यूस टेंसेस में भी यूज होता है, इसके हम फर्दर जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, और परफेक्ट जो हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं उसमें हैविंग और हैविंग बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो आज हमने इन्फिनेटिव्स पढ़ा है, इन्फिनेटिव्स विद टू और बेयर इन्फिनेटिव्स। तो उसमें क्या जो मैंने रूल बताए हैं, आप घर में जाके उसको याद करें, क्योंकि एग्जाम में जो है दो नंबर का जो है क्वेश्चन आता है, तो दो दो नंबर करके ही जो है आपकी डिविजन बनती है। तो आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़ें, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी आपके क्लियर रहेंगे तो टेंथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।